हे गाइस, मैं हूं रावण। रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ए प्लस ट्रेडलिंक लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है स्टॉक स्प्लिट और बोनस का धमाका एक साथ। तो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट बोनस मिलने वाला है, एक शेयर के बदले मिल सकते हैं 20 शेयर। तो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट क्या हो सकता है वो भी चेक करेंगे। कंपनी का बिजनेस बैलेंस शीट पूरे डिटेल में एनालिस करने वाले। वीडियो के अंत में देखेंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करने का रिस्क क्या है, फायदा क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, खुद का स्टडी जरूर किए, उसके बाद बाय सेल होल्ड का आप लोग फैसला कर सकते हैं। तो जो कंपनी का स्टॉक का प्राइस है लगभग 20 रुपए के आसपास कल के दिन के हिसाब से, और अब तक के रिटर्न दे सिर्फ 23% के रिटर्न दे। तो यहाँ पे स्टॉक लगातार गिरता ही जा रहा है, खराब साइन है। यहाँ पे कंपनी का बिजनेस चेक कर रहे थे, कंपनी अलग अलग टाइप के जो आयरन के प्रोडक्ट्स रहते, स्टील के प्रोडक्ट्स रहते, एल्यूम के प्रोडक्ट्स रहते, इसको बनाने का कंपनी मेन बिजनेस करते। तो बिजनेस ठीक ठाक है, बिजनेस के आप लोग चेक कर सकते हैं। कंपनी की फंडामेंटल, कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ 53 करोड़। कंपनी बहुत ही छोटी है, रिटर्न इक्विटी लगभग 3.5%, डिविडेंड यील्ड है 0%। तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही कमजोर है, क्योंकि कंपनी आते हैं माइक्रो कैप कैटेगरी में। तो ऐसे स्टॉक में कभी भी सीखने के लिए पैसा लगना चाहिए, डायरेक्ट हीवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म का कर्जा, यहाँ पे 0 करोड़ का है, यानी कि 1 रुपए के भी कर्जा नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। जो शॉर्ट टर्म का कर्जा है लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है। तो शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म का कर्जा दोनों मिला के लगभग 1.33 करोड़। तो कर्जा कंट्रोल में, क्योंकि साइज बहुत ही बड़ी है एज कंपेयर टू द डेब्ट। नेक्स्ट है कंपनी का प्रॉफिट, पिछले 5 साल का प्रॉफिट है 2020 से लेकर 2024 तक। यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा बहुत बढ़ाने की कोशिश कर रहे कंपनी, आप लोग चेक कर सकते हैं। पहले कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट होता था 2020 में, अभी चेक कर सकते हैं लगभग 21 लाख के आसपास पहुंच चुका है। तो प्रॉफिट बढ़ना अच्छा रहता है कोई भी कंपनी के लिए स्टॉक मार्केट में। ये तो गया प्रॉफिट के बारे में, अब जान लेते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली ब्रेकिंग न्यूज के। तो कंपनी ने कल के दिन अनाउंसमेंट किया है, एक्सचेंज के ऊपर डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। कंपनी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर सकते हैं 1:1 का बोनस, और उसके साथ अनाउंसमेंट कर सकते हैं 1:10 का स्टॉक स्प्लिट। इन शॉर्ट, एक शेयर के होने वाले 20 अलग अलग टुकड़े। अगर आपके पास 10 शेयर रहेंगे तो उसके हो जाएंगे 200 शेयर्स। तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है उसको x20 कर सकते हैं, उतने नंबर ऑफ शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट पे डाले जाएंगे। अभी तक अनाउंसमेंट हुआ नहीं, सिर्फ कंपनी ने बोला है 1:1 का बोनस और 1:10 का स्टॉक स्प्लिट दे सकते हैं। यहाँ पे लाइकली लिखा है तो आप लोग हाईलाइट कर देते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी करने वाली कौन सी तारीख को, 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को पता चलेगा एग्जैक्टली स्टॉक स्प्लिट का रेशियो क्या है और बोनस का रेशियो क्या है। अगर यहाँ पे बड़ा रेशियो निकल के सामने आता है तो वापस से स्टॉक के प्राइस में तेजी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो स्टॉक है लगातार गिर रहा है, लोअर सर्किट में हर दिन 5% की गिरावट दिख रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसे स्टॉक में कभी भी सीखने के लिए पैसा लगाना चाहिए। तो जैसे 24 अक्टूबर का यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसके बाद शेयर का अप्रूवल ले जाएगा, उसके बाद रिकॉर्ड डेट की घोषणा की जाएगी। अभी तक रिकॉर्ड डेट घोषित हुआ नहीं है। ये तो क्या यहाँ पे कंपनी के बारे में, कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया था न्यूज के बारे में। अब जान लेते हैं यहाँ पे रिस्क है। रिस्क है कि कंपनी बहुत, मतलब बहुत ही छोटी है, ऐसे स्टॉक में कोई भी टारगेट होता नहीं, फंडामेंटल अच्छे होते नहीं। तो जब स्टॉक गिरता है तो लगातार 30% 40% के आसपास गिर सकता है, यह आपके माइंड में होना जरूरी है। लेकिन जब भागेगा तो उसी रफ्तार से भाग भी सकता है, यह आप लोगों को पता होना जरूरी है। इसलिए ऐसे स्टॉक में कभी भी रिटर्न के चक्कर में पैसा नहीं लगाना चाहिए, सीखने के लिए जितना हो सके उतना कम अमाउंट लगा के चलना चाहिए। ये तो था आज के वीडियो पे ए प्लस ट्रेडलिंग के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।